बक्सर में महज 6 घंटे के अंदर एक ही थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेखौफ अपराधियों ने दूसरे युवक को मारी गोली। सूबे में जिस तरह अपराधियों का बोलबाला दिख रहा है, उससे निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अपराधियों के अंदर पुलिस और कानून के नाम का कोई भय व्याप्त नहीं है, जिसका ताजा उदाहरण बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि महज 6 घंटे भी नहीं बीते और अपराधियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चौसा निवासी करीब 30 वर्षीय युवक राजकुमार को उस वक्त गोली मार दी जब वो अपने घर लौट रहे थे। जख्मी अवस्था में उन्हें सदर अस्पताल बक्सर पहुंचाया गया, जहां जिंदगी और मौत के बीच युवक संघर्ष कर रहा है और उसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु वाराणसी रेफर कर दिया। हालांकि घटना के संबंध में ग्रामीणों द्वारा जो बातें बताई जा रही है, उससे रोड रेज की घटना की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसंधान में जुट गई है। रिपोर्ट CNB न्यूज बक्सर। हाँ, एक युवक कभी थोड़ी देर पहले आया हुआ था, उसको पीछे में गोली लगी हुई है। उसका नाम राजकुमार है, 29 साल उम्र है। अंजनी कुमार सिंह पिताजी का नाम है, चौसा बाजार का है। और गोली के केवल एंट्री वुंड है, एग्जिट वुंड नहीं है, इसलिए उसका कंडीशन अच्छा नहीं था। हम लोग फर्स्ट एड करके उसको ट्रॉमा सेंटर बनारस भेजे हैं। ये 6 घंटा के अंदर दूसरी आ गई ना? हाँ हाँ, वो भी बक्सर मुफस्सिल थाना का भी था, वो भी था, वो भी बक्सर मुफस्सिल थाना का ही। रोज अप डाउन करते हैं। हाँ, आज जा रहे थे तो यहीं पे मतलब हम लोग अचानक खबर मिला कि एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग आए तो पीठ के भरे पड़े थे, पीठ जब उठा के देखे तो कोई निशान ना मिला। जब पूरा कपड़ा उतार के देखे तो एकदम छेदा गोल था उस पर। आगे देखे तो यहाँ पर नरेटी के पास पूरा जमा हुआ था। तो पूछे हम लोग तो बोल रहे हैं कि दो लड़का अपने में विवाद किया था, एक टेम्पू लगा था और दो बाइक पे 3 लड़का थे। और वहीं रोक कर अपने में समझे कि कोई धक्का मारा होगा, अपने में विवाद किया है, आगे कुछ बढ़ा कर रोक दिए और वहीं पूछे, बस उतने में मार दिया लोग। उसके बाद इनको कुछ होश ही ना है। लाड़ीपुर के नारा पे। क्या नाम था इनका जो गोली? राजकुमार। राजकुमार कहाँ के नारा वाला था? चौसा बहादुरपुर बाजार बाजार का। धन्यवाद। पिता का नाम क्या है? मदन सिंह। मदन सिंह जी। एक्सीडेंट भेल एगो टेम्पू वाला के रोकल रहन, हल्का सा आगे बाइक बढ़ा के रोक दल, बस इनके सटा के पीछे से रिवाल्वर जो पीठ पे मार दल हसन। अच्छा। इनके यूजे गिर गल साइड में। अच्छा। हाँ, इतने पे कोई इनका नंबर से दूसरा कोई फोन कैला सा कैसन सन घटना हो तब उनके घर से तुरंत ले जा बाइक। क्या कारण है इस घटना का? अब इस कारण के पीछे हम लोग कोई नहीं राज बता सकते इसमें क्या। इनको गोली लगी है? राजकुमार को। घर कहाँ है उनका? घर चौसा है और कुमारपुर में भी घर है। क्या करते हैं वो? वो हीरो एजेंसी में काम करते हैं सर। पूर्व में भी विवाद कहीं है क्या? नहीं, पूर्व विवाद नहीं है सर, कोई विवाद। मैंने अचानक क्या हुआ कि गोली कोई मार दिया इनको? अब पता नहीं, रोज आते जाते हैं जी, रोज आते जाते हैं, इसके लिए कोई इनको निगाह पे चाहे कि रोज गाड़ी लेकर आते हैं वो इसी। अच्छा, गाड़ी वाड़ी छीनने के चक्कर? हाँ, उसी चक्कर में हुआ है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंचम पड़ेगा सर। आपको? हम उनके फ्रेंड है सर।